गुड आफ्टरनून, मैथ्स का लेक्चर नंबर 4 है और यहाँ पर टॉपिक है हम लोग का फ्रैक्शन का एडिशन करना और फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना, है ना। यानी कि फ्रैक्शन को एक तो ऐड करना सीखेंगे और एक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, कैसे फ्रैक्शन को जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। दोनों के लिए दो कंडीशन है, एक तो ये है when denominator are same, जब denominator same हो तब वहां पर सबसे आसान होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 7/8 है और प्लस यहाँ पर है आपका 5/8, अब इसको ऐड करना है। यहाँ डिनोमिनेटर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम रहे तो बिल्कुल आपको एक बार उसको लिख देना है डिनोमिनेटर को, क्लियर है। और ऊपर जो भी रहे उसको लिख देना है, प्लस के साथ रहे तो प्लस में, माइनस के साथ रहे तो माइनस। यहाँ ऊपर 7 है और यहाँ पर 5 है, दोनों प्लस के साथ है तो हम यहाँ कर देंगे प्लस कर देंगे, 7 + 5 हो जाएगा 12/8 हो जाएगा। और यहाँ 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12, 3/2 आ गया आंसर, है ना। अब इसको आपको चेंज करना है किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसके लिए 3 को ऐसे किया करो बीच में, है ना, और 2 को माना करो डिवाइजर, यानी कि 2 को पहले, 2 × 2 कितनी बार कटा, 1 बार। तो इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए पहले किसको लिखा जाता है, भाज्य लिखा जाता है, पहले भागफल लिखा जाता है, तो भागफल 1 है, है ना। फिर यहाँ पर रिमाइंडर को ऊपर यानी कि अंश के रूप में 1/5 और यहाँ पर डिवाइजर यानी कि भाजक, भाजक को यहाँ पर, क्लियर है। इस तरीके से लिखेंगे, मान लो अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो तब क्या करेंगे, सारा काम वही करना है, क्लियर है। बस जहां जहां प्लस वहां वहां माइनस कर देंगे। सपोज करो यहाँ पर माइनस है तब सेम वही काम होगा, प्लस की जगह क्या कर देना, माइनस कर देना। और यहाँ पर जब माइनस करोगे 7 में से 5 गया 2 आएगा, तब यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 2/8। इनको जब सॉल्व करोगे 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 8, तो आंसर क्या आ गया 1/4, ये हो जाएगा आंसर 1/4, ये हो जाएगा आंसर, क्लियर है। तो फ्रैक्शन को ऐड करना मतलब फ्रैक्शन को जोड़ना या फ्रैक्शन को घटाना, दो कंडीशन है, दो तरीका होता है। एक तो अगर उसका डिनोमिनेटर्स का मतलब होता है हर, अगर उसका हर सेम है, चाहे फ्रैक्शन एक बार हो चाहे 10 बार, हर एक ही बार लिखना है, फिर ऊपर है ना जो भी रहे जिस फॉर्मेट में रहे उसको लिख देना है। यहाँ 7 - 5 है, हम बिल्कुल यही लिख दिए 7 - 5, और हर तो बराबर है। लेकिन अगर मान लो हर बराबर नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई क्वेश्चन मैंने लिख दिया 2 × 1/3 और यहाँ पर प्लस 3 × 2/5, ये क्वेश्चन लिख दिया गया, इसका हर बराबर नहीं है, क्लियर है ना। इसका क्या है, हर बराबर नहीं है, यानी कि जब डिनोमिनेटर्स का मतलब होता है हर, जब हर क्या हो, बराबर ना हो, जब हर बराबर ना हो, उस कंडीशन में हमारे पास दो तरीका है। दो तरीका आप सबको पता था, आज मैं 3 तरीका बता दूंगा, क्लियर है। एक तो होता है एलसीएम मेथड, क्लियर है, और एक होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। एक होता है एलसीएम मेथड और एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, और एक मेथड और है अदर, इसका मैंने नाम दे दिया। 3 तरीके से मतलब इस क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं, देखो कैसे होगा। अब यहाँ पर जब हर बराबर ना हो, है ना, अगर भिन्न आपका मिश्रित भिन्न के रूप में हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में हो, तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्लियर है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 × 3 = 6, 6 × 1 = 7, यहाँ पर आया 7/3 और इधर 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17, तो प्लस 17/5,
सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को किस में चेंज करेंगे, बोलो। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। चेंज हुआ, चेंज करना सबको आता है ना। क्या करना है, जो होल यानी पूर्ण संख्या है उसको हर में गुणा करो, तो दो तीन छह और अंश वाला ऐड कर दो, छह सात, सात पान तीन, इधर तीन पच्चे पंद्रह, पंद्रह दो सत्रह, सत्रह पान पांच। अब इनको लगाने का तीन तरीका है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, अदर और एलसीएम। अभी हम पहले लगाते हैं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं। कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यानी त्रियक गुणाभिद। तो बताओ सात के क्रॉस में कौन है, बोली सात के क्रॉस में पांच है, तो सात गुणे पांच कर दो। बीच में प्लस का सिंबल रहे तो प्लस लगाना, माइनस रहे तो माइनस लगाना। अच्छा सत्रह के क्रॉस में कौन है, तीन है, तो सत्रह गुणे क्या कर दो, तीन कर दो। और अपान में नीचे का नीचे से तीन गुणे पांच कर दो। बोलो इतना क्लियर है ना। अब बताइए सात पचे पैतीस प्लस सत्रह तिया इक्यावन और अपान तीन पचे पंद्रह जोड़ दो, पांच एक छे और इधर पांच तीन आठ छियासी अपान पंद्रह। क्या भी ये कैंसिल होगा, नहीं होगा है ना, क्योंकि एक ही नंबर से कैंसिल करना है। थ्री से नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला नहीं होगा, फाइव से तो होगा नहीं। अब इसको हमें चेंज करना मिक्स फ्रैक्शन में, तो छियासी को पंद्रह से भाग दे दो। बताओ पंद्रह पचे पचहत्तर कितनी बार, सोलह में से छे यानी कि छह में से पांच गया एक आया, आठ में से सात गया एक आया। तो बताओ मिक्स मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए सबसे पहले भागफल लिखा जाता है, सबसे पहले क्वेश्चेंट लिखा जाता है। तो क्वेश्चेंट क्या है, पांच है, पांच यहाँ लिख दो है ना। और शेष फल में रिमाइंडर में ये मतलब अंश में शेष फल लिखा जाता है ना। तो अंश में क्या लिखेंगे, ग्यारह अपान, और हर में लिखा जाता है डिवाइजर यानी भाजक, तो पंद्रह। क्लियर है, बस पांच सही पंद्रह पान ग्यारह ये हो गया, अरे पांच से ग्यारह पान पंद्रह ये हो गया आंसर। ये समझ में आया, यहाँ पर एक सूत्र याद रखना, मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन बराबर होता है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, ऊपर में रिमाइंडर लिखते हैं, ऊपर में क्या लिखते हैं रिमाइंडर यानी कि अंश, और नीचे में लिखते हैं डिवाइजर, नीचे में क्या लिखते हैं डिवाइजर यानी कि भाजक, ऊपर में शेषफल, और यहाँ जो पूर्ण संख्या के रूप में भागफल। क्वेश्चन का मतलब होता है भागफल। और इतना क्लियर है ना, ये मिश्रित भिन्न का सूत्र होता है, ये किसका सूत्र होता है, मिश्रित भिन्न का होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है, ये चीज आपका हो गया। अब यहाँ पर यहाँ तक हो गया, अब इसी क्वेश्चन को लगाने का ये तो पहला तरीका हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। बताओ सबको समझ में आया, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सेवन की क्रॉस में कौन है, पांच है, तो सात गुणे पांच हो गया प्लस, अगर यह माइनस होता तो माइनस हो जाता। सत्रह की क्रॉस में कौन है, तीन, तो सत्रह गुणे तीन हो गए नीचे का नीचे से। समझ में आया यहाँ। अब बताओ यहाँ सात पचे पैंतीस, सत्रह तिया अपन पान थे पंद्रह, तो जोड़ा गया तो क्या आएगा छियासी पान पंद्रह। मिश्रित भिन्न के लिए क्या करने, क्या है, सबसे पहले भागफल यानी क्वेश्चन, और शेष फल अंश के रूप में, शेष फल हर के रूप में भाजक, तो भाग देकर यहाँ फटाक से कर दो। पंद्रह पचे पचहत्तर, पांच क्या है क्वेश्चन यानी भागफल, तो पांच सही, और यहाँ पर ग्यारह अंश वाला, अरे सॉरी शेष फल को अंश के रूप में, तो ग्यारह और अपान पंद्रह। क्लियर है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, एलसीएम मेथड। तो एलसीएम में क्या करोगे, क्वेश्चन हमारा क्या है, सात अपान तीन है ना, और प्लस में क्या है सत्रह अपान पांच है। जब पांच और तीन का लासा निकालेंगे तो बताइए, पांच और तीन का जब लासा निकालेंगे, तीन एक तीन पांच ऐसे कर लो, फिर पांच एक पांच, तीन पचे पंद्रह, पांच और तीन का लासा आएगा पंद्रह। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो क्या लिखेंगे, पंद्रह मैंने लिख दिया। अब बताओ तीन पचे पंद्रह कितनी बार जा रहा है, पांच बार जा रही है, सबको आ रहा है ना, पांच बार। इसका मतलब सात को किससे गुणा करेंगे, पांच से, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अच्छा बीच में प्लस है, प्लस रहो, पांच दे पंद्रह, पांच से जब लासन भाग देंगे तो पांच दे पंद्रह, तीन बार गया मतलब सत्रह को तीन से, सत्रह गुणे तीन। अब यहाँ सॉल्व करो, सात पचे पैंतीस, सत्रह तिया अपान पंद्रह,
जब इनको जोड़ेंगे तो 5 × 6 = 8, 86 / 15 इनको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तब क्या आंसर आएगा? 5 × 6 = 11/15। ये हो गया आंसर। ये दूसरा तरीका कौन सा मेथड है? एलसीएम मेथड। लेकिन अब एक मेथड और देखो, ये हो गया तुम्हारा एलसीएम मेथड। एक मेथड और देखो, नया मेथड। जैसे क्वेश्चन क्या है, 2 × 1/3 और प्लस क्या है, 3 × 2/5। ये क्वेश्चन है ना, तो इसके लिए आप क्या करो, अलग अलग कर दो, सबको अलग अलग कर दो। जब सबको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1/3 + 3 + 2/5। ये लिख सकते हैं, याद रखो, मतलब इस चीज को हम ये चीज लिख सकते हैं। ओके, अब 2 और 3 क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हो गया 5 हो गया, इधर बचा 1/3 और +2/5। तो +1/3 और +2/5। अब इन दोनों को चाहे जिस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर लेते हैं, 5 × 1 = 5, 3 × 2 = 6 है ना। तो 6 × 5 = 11 / 15, तो क्या हो जाएगा, 5 + 11/15। क्लियर है ना। अब प्लस इनको चिपका दो, प्लस हटा दो, 5 × 11/15, बस यही आंसर हो गया। एक तरीका ये भी होता है, समझ में आया, इतना क्लियर है। इस तरह का क्वेश्चन जब रहे आप ऐसे भी कर सकते हो, अदर मेथड का है, ये अदर का है। फिर से समझा रहा हूँ, देखो 2 × 1/3 है ना, अलग अलग कर दो, 2 + 1/3 कर दो, प्लस 3 × 2/5 है ना, इसको प्लस लगाकर अलग कर दो, तो 3 + 2/5 हो गया। क्लियर। अब यहाँ का 2 यहाँ का 3, बताओ 3 × 2 क्या हो गया, 5। यहाँ पर क्या बचा, 1/3, यहाँ पर क्या बचा, 2/5। अब बताओ 1/3 और 2/5 को सॉल्व करेंगे तो 5 × 6 = 6, 6 × 5 = 11 / 15 = 11 / 15 आया। या आप एक स्टेप और कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट ना करके एक स्टेप आप और कर सकते हैं। बताइए 5 को ऐसे रहने दो, बताओ 5 × 5 + 3 × 6 / 5 × 15। ये हो गया कि नहीं, क्लियर है। अब आगे देखो, यहाँ 5 + 6 = 5 × 6 = 11 / 15। अब भाई जब हम अलग कर सकते हैं, चिपका भी सकते हैं, ठीक है, प्लस को गोली मारो, प्लस को गोली मार, क्या हो जाएगा, 5 × 11 / 15। ये आंसर हो गया। याद है तरीका, यहाँ प्लस था है ना, ध्यान देना, ये बीच वाला मेन प्लस, ये अगर यहाँ माइनस होता तब हम क्या करते, यहाँ माइनस लगाते, 5 की बात माइनस नहीं लगाते। बोलो क्लियर है, इतना समझ में आया, बस ये नया तरीका मिला आपको। बताइए कोई दिक्कत?